Hello everyone, our new topic is the manufacturing of phosphoric acid. With flow sheet and chemical reaction of phosphoric acid, properties and uses of phosphoric acid. I hope like my video. Now start the properties of phosphoric acid. The chemical formula of phosphoric acid is H3PO4 and molecular weight is 98 gram per mole. And melting point is 42.4 degree Celsius and boiling point is 213 degree Celsius. And pH value is 1.5. These are the properties of phosphoric acid. Now start the chemical reaction of phosphoric acid. Calcium oxide is react with phosphorus pentoxide and thence makes it calcium phosphate. Is known as phosphate rock, and phosphate rock is react with sulfuric acid and thence makes it calcium sulfate. Calcium sulfate is known as gypsum and phosphoric acid. These are the chemical reaction of phosphoric acid. Now flow sheet of phosphoric acid. तो जैसे ये आपके सामने रिएक्टर दिखाया गया है जिसमें एजिटेटर्स लगे हुए हैं, तो क्या करते हैं, फीडर की हेल्प से हम फॉस्फेटिक रॉक को इन कराते हैं रिएक्टर में, और कंसंट्रेटेड जो हमारी H2SO4 है उसको भी इसमें इन करा देंगे। तो क्या होगा, जब एजिटेटर हमारी मूव करेगी तो इसमें हमारी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे लगभग 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगता है इसे रिएक्ट टोटली होने में, रिएक्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या फॉर्म हो रहा है, H3PO4 और जिप्सम। लेकिन क्या होता है, ये H3PO4 की कंसंट्रेशन अभी हमारी कम होती है, लगभग 43% से कम ही होती है, इतना प्राप्त हुआ उसके साथ जिप्सम। इसको कहां हम ले जाते हैं, एक हमारी ट्रेवलिंग पैन फिल्टर होता है, क्योंकि क्या होता है जिप्सम और H3PO4 दोनों साथ में नहीं ले जा सकते आगे, तो ये क्या करता है, यहाँ सेडिमेंटेशन होता है, मतलब क्या होगा, जो जिप्सम होगा वो ग्रेविटी सेटलिंग के द्वारा नीचे आ जाएगा। इस टाइप से होगा कि मान लो ये एक बैसल है, ये हमारा फिल्टर है, तो इसमें जो जिप्सम होगा वो ग्रेविटी सेटलिंग के द्वारा नीचे बैठ जाएगा और हमारी H3PO4 ऊपर रहेगा। ठीक, तो क्या होगा, देखो उसको क्या किया, जिप्सम को हमने यहाँ से निकाल लिया, बॉटम से निकाल लिया। अब जो बचा हमारा, इसको धुलने के लिए हम हॉट वाटर भी यूज करते हैं, हॉट वाटर से कंटिन्यूस वॉश करते रहते हैं इसे। अब जो हमारे H3PO4 प्राप्त हुआ उसे हम एक सेटलर में लाते हैं, कि बाय चांस कुछ जिप्सम अभी जो बच जाती है, जिप्सम की स्लज बच जाती है, उसे देखो हमने क्या किया, रिसाइकल कर दिया फिर से इसी पार्ट में, तो वो फिर से फिल्टर हो जाए। और जो बाकी बचा है हमारा 43%, उसे हम लाते हैं सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है कि इवोपरेटर का काम क्या होता है, किसी चीज की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना, कैसे, उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसे वेपर फॉर्म में रिमूव कर दे। क्या होगा, स्टीम चेस्ट में हमने स्टीम प्रोवाइड किया, अब ये स्टीम क्या करेगा, जो सोल्यूशन है उसको अपनी हीट प्रोवाइड करेगा, हीट देगा तो वो सोल्यूशन बॉयल होना शुरू होगा और उसकी जो सॉल्वेंट होगा उसकी वेपर ऊपर से हमारी निकल जाएंगे, वेपर हमारा निकल गया यहाँ से। अब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ से सोल्यूशन प्राप्त हुआ H3PO4 वो हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, लगभग 75% तक। इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन H3PO4 को ही निकाल लिया जाता है, अगर हमें सिर्फ एसिड प्राप्त करना है तो इसे निकाल लिया जाता है, लेकिन इसका फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी यूज होता है। तो अगर आपका मन करे, अगर बोले सिर्फ यहाँ तक करने के लिए, आप यहाँ तक दिखा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप फर्टिलाइजर भी इसका बना के दिखाएं। तो देखिए कैसे, इसका जो यहाँ H3PO4 प्राप्त हुआ 75%, उसे हम ले जाते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन है। न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन में क्या होता है, एक कुछ ऐसा एसिड उसमें मिलाया जाता है जिससे उसका पीएच मेंटेन किया जाए, पीएच मतलब न्यूट्रल के बराबर लाया जाए, जैसे 7 तक लाया जाए, 6 तक लाया जाए, 8 भी कभी कभी हो जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाता लेकिन न्यूट्रल उसे किया जाता है। न्यूट्रल किसकी हेल्प से हम यहाँ कर रहे हैं, H2SO4 की हेल्प से न्यूट्रल कर लिए। अब हमें फर्टिलाइजर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, तो फीडर की हेल्प से हम यहाँ से पोटास और फिलर को हम रोटरी जनरेटर में डालते हैं, और यहाँ से हम H3PO4 तो डाल ही रहे हैं। अब इनको क्या करता है, हम घुमाते हैं ग्रेन्युलेटर में, घुमाकर हम दाने के फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, दाने के फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। इन सब के प्रोसेस में SSP सिंगल सुपर फास्फेट में बता दिया, आप जरूर देखें उसे। यहाँ से हमने ग्रेन्युलेशन में कन्वर्ट किया, मतलब दाने में कन्वर्ट किया, इसको लाते हैं हम क्योंकि इसमें कुछ मॉइस्चर आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तो हमने कहीं मॉइस्चर ड्रायर तो लगाया नहीं था। अब हम लाते हैं रोटरी ड्रायर। रोटरी ड्रायर में क्या होता है कि अंदर ब्लेड्स इस टाइप के लगे होते हैं, ऐसे अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं,
वो क्या करता है, जब ये मूव करता है तो जो हमारे यहाँ से दाने बने ऊपर नीचे होते रहते हैं और हमारा एयर, ये हॉट एयर होता है, इसका टेम्परेचर होता है, और उसको मॉइस्चर को रिमूव करता रहता है। मान लेते हैं यहाँ से हम मॉइस्चर रिमूव हो गया, अब मॉइस्चर रिमूव हो गया तो क्या ये ड्राई हो गया। अब ड्राई को ले जाते हैं, हमें कितनी साइज की चाहिए उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ लगा हुआ डबल डेस्क स्क्रीन, मतलब जितनी स्क्रीन की हमें चाहिए प्रोडक्ट उतनी स्क्रीन की हम लगा दिए, मैस लगा दिए, तो वहाँ से छन के हमारा फर्टिलाइजर के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये थी हमारी फास्फोरिक एसिड की प्रोसीड। ये एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएगी, इसलिए आप इसे आराम से पूरा वीडियो पॉज करके, नहीं समझना है दोबारा देखें, लेकिन आप इसे एकदम बिल्कुल क्लियर कर लें। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या निकल के गया, तो क्या होता है जब हमारी ये रिएक्शन होती है तो कुछ बाई जो हमारी साइड में रिएक्शन होती है उसके कारण जो हमारी गैस निकली उसे यहाँ वाटर के साथ डिजॉल्व करा लेते हैं और वेंट गैस को हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इसका ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है। These are the flow sheet of phosphoric acid, chemical reaction, properties. Now start usage of phosphoric acid. Phosphoric acid is known as acid and its other name is orthophosphoric acid. It is a crystalline solid state and is less concentrated form, generally non-volatile in liquid and odorless, colorless and syrupy form. Phosphoric acid is a mineral acid and represented by formula H3PO4. Mostly commonly used of phosphoric acid is fertilizer. About 80% used in fertilizer and remaining 20% is other purpose. And it is used of removal of rust such as metals, steel, ferrous. And it is used in the food processing industry, such as jams, cereal, bars, and cheese, etc. And beverage industry mein, phosphoric acid used in personal care, such as hair care, dyes, nail products, makeups, and other skin care products. And medical uses, such as cleaning of teeth, and it is used in electrolyte dry cells. And it is used in the production of alcohols, hydrogenation of alkalines. These are the uses of phosphoric acid, chemical reaction properties and flow sheet of phosphoric acid. I hope like my video. If you have any doubt, put your doubt in comments box and subscribe my engineering IQ channel. Thank you. Thank you very much.